स्नातक 2024-28 में जो भी छात्र छात्राएं एडमिशन लिए हैं उन सभी को 75,000 रुपये के छात्रवृत्ति का ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 75,000 रुपये की राशि के लिए ऑनलाइन किस तरीके से करना है इस वीडियो में पूरी जानकारी समझेंगे, क्योंकि ये आपका गर्ल्स बॉयज दोनों की छात्रवृत्ति जो है वो यहाँ पे दी जा रही है। आप किसी भी जाति के हैं, अगर आपने एडमिशन लिया है ग्रेजुएशन या बीए में लिए हैं या बीएससी में लिए हैं या बीकॉम में लिए हैं तो भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और ये 75,000 रुपये की राशि जो है वो अपने नाम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह से आपको आवेदन करना है और किस तरह से आपको कॉलेज में फॉर्म भरकर ये जमा करना है जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, फॉर्म जो है वो ऑनलाइन करना है। तो सारा प्रक्रिया यहाँ पे आप समझ लीजिए, ऑनलाइन जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ऑनलाइन कीजिए और लास्ट डेट से पहले ये प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि आपको ये स्कॉलरशिप की राशि जो है वो आपको आराम से मिल सके, क्योंकि आपका जो आपका सेशन है वो 4 सालों का है और ये 75,000 रुपये की राशि जो है वो 4 सालों के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को दी जा रही है। तो ये जानते हैं कैसे आवेदन की प्रक्रिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस तरह से आपको ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं, तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझ लेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती रहे। सबसे पहले आपको बता दें ये 75,000 रुपये जो है वो NSP के तहत जो है सभी छात्र छात्राओं को दी जा रही है, जो एडमिशन कराए हैं उन्हें ये पैसा जो है वो यहाँ पे मिलेगा। अगर आप 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाए हैं 2024-28 सेशन में, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे NSP पोर्टल पे जाकर आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना है जो कि इस वीडियो में बताया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है जिसमें छात्र छात्राओं सभी को आवेदन कर सकते हैं और जिसके तहत 75,000 रुपये की राशि सभी छात्र छात्राओं को दी जाती है। इसके लिए आवेदन के साथ साथ कॉलेज और स्कूल जो भी आपका है वेरीफाई करवाना जरूरी है, यानी आप जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है ऑनलाइन करने के तुरंत बाद जो है वो आपको कॉलेज में जाकर वेरीफाई करवाना होगा। ठीक है, तो सीधे इसके लिए वेबसाइट पे लेकर चलते हैं जहां से आप ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन करने के बाद जो है कॉलेज से वेरीफिकेशन करवाकर आप पुनः सबमिट करेंगे और उसके बाद जो है 75,000 रुपये की राशि जो है वो 4 सालों में आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर समझ लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गूगल में आके आपको biharnotices.in इस तरीके से सर्च करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो biharnotices.in खुलेगा इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एकदम ध्यान समझिएगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस तरीके से आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 लाइन जो है वो 3 लाइन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके का पेज खुलेगा। अब आपको यहाँ पे नीचे की ओर जाना है और यहाँ पे आपको NSP स्कॉलरशिप मिलेगा, NSP स्कॉलरशिप 2024-25 इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने NSP स्कॉलरशिप का जो है पूरा डिटेल यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ से ग्रेजुएशन में जो भी एडमिशन लिए हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले पूरी जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लग रहे हैं, कब आपका लास्ट डेट है, पूरी प्रक्रिया यहाँ पे आप समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें सभी छात्र छात्राएं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 24 अगस्त से ही ऑनलाइन जो है वो आपका शुरू है। ऑनलाइन करने के बाद कॉलेज में फॉर्म वेरिफिकेशन कराने का जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है, क्योंकि कॉलेज वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि अक्टूबर में ही कराएंगे तो फिर आपको वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 से 20 दिन कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए लेती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको अभी ही करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे की ओर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे समझेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप की जो राशि है वो यहाँ पे बताई गई है कि आपको 75,000 रुपये की राशि जो है वो यहाँ पे दी जाती है और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। 24 अगस्त से ही ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नीचे की ओर जाएंगे तो कैसे आपको आवेदन करना है, किस लिंक से करना है वो यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका 12th में 50% मार्क्स था और आपने स्नातक में एडमिशन लिया है तो आपको ये स्कॉलरशिप की राशि जो है वो दी जाएगी। अगर आपका 50% से कम मार्क्स था 12th में तो आप इसके लिए ऑनलाइन नहीं कर सकते, यानी कम से कम आपको 12th में सेकेंड डिवीजन जो है वो यहाँ पे होना चाहिए तो ही आप एडमिशन BA में लिए हैं या BSc में लिए हैं या BCom में लिए हैं या BBA कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका फोटोग्राफ जो कि एसेंशियल होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन फ्रॉम प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूशन, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ से आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, यानी आपके आपके नाम पे आपका पेरेंट्स का इनकम कितना है सालाना वो वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेट यानी कि आपको खुद से अटेस्टेड करवा कर जो है वो आपको यहाँ पे देना है कि आपका उम्र जो है 18 साल से ऊपर हो चुका है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एप्लीकेंट्स फॉर स्कॉलरशिप अंडर MCM, ये MCM वालों के हैं, जो कि आप अगर आप मुस्लिम हैं तो आप MCM का भी फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। फी रिसिप्ट जो है वो आपको यहाँ पे लगेगा, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उसका फी रिसिप्ट है ना, जो आप पैसा जमा किए तो उसका जो रिसिप्ट है वो वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और खुद का बैंक अकाउंट डालना है, यानी स्टूडेंट के नाम पे ही बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो आपका लगेगा, करेंट वाला, पुराना नहीं लगेगा, करेंट होना चाहिए, यानी 2024 का ही होना चाहिए। आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, है ना, आधार नंबर आपका मस्ट है। उसके बाद जो है अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं और किसी दूसरे राज्य में पढ़ रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट स्कूल से आपको बोनाफाइड स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको कॉलेज में मिलेगा और कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर आपको पोर्टल पे अपलोड होगा। यानी अगर आप आपका रहने का राज्य कोई और है और एडमिशन आपने किसी और राज्य में ले रखा है तो आपके लिए ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन कैसे करना है, तो नीचे की ओर आइएगा, सबको समझते हुए तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे आपका शुरू हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोर्टल जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहला प्रोसेस जो है वो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्टर योर सेल्फ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गाइडलाइन पहले दिया गया है, गाइडलाइन को अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे जो चेकबॉक्स है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ध्यान देंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक बार ही होता है, तो अच्छे से फिल कीजिएगा, दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सामने जो है वेरीफाई का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा और वही OTP जो है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है आपको, ये कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपका जो है ऑनलाइन प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पुनः लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका आया उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने जो किया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालकर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर ले, आपको जो है ऑनलाइन के लिए लॉगिन होना है। लॉगिन जब होंगे तो सारी डिटेल्स जो है वो आपको वहाँ पे फिल करना होगा, जो डिटेल मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद जो है वो आप ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ से आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका पेमेंट का स्टेटस क्या है, ठीक है। आपका फॉर्म जो है, फॉर्म का स्टेटस जो है वो यहाँ पे आप जो है लगातार यहाँ पे आप देख पाएंगे। तीन चरण में है, सबसे पहले यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद पेमेंट डिटेल्स आपको चेक करते रहना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करने के बाद फॉर्म जब अप्लाई कर लेंगे तो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उस कॉलेज में जाके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो वहाँ से आपका कॉलेज वेरीफाई हो जाएगा, पुनः लॉगिन होकर आप देख लेंगे कि आपके कॉलेज का नाम वहाँ पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हो गया है, अगर नहीं कर रहा है तो कॉलेज से आपका वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें आपको टाइम लग जाता है, जिसमें 15 किसी कॉलेज में 15 दिन तो किसी कॉलेज में 20 दिन लग जाता है। यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको 15 से 20 दिन का समय जो है वो यहाँ पे लगता है। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करें, ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। जाइए लिंक पे क्लिक करके फटाफट तरीके से ऑनलाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।